हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज़ द वीडियो ऑफ आर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिवन स्पीच इन पिथौरागढ़, उत्तराखंड। फ्रेंड्स, फॉर मोर न्यूज अपडेट्स ऑफ आर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड स्पीचेस, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। भारत माता की जय। प्लीज सब्सक्राइब, क्लिक द बेल एंड क्लिक द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू। हाथ ऊपर करके प्लीज सब्सक्राइब फ्रेंड्स, माय रिक्वेस्ट। ताकत से होप यू लाइक द वीडियो। भारत माता की जय बोलिए। भारत माता जी जय। फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। माता की। कीप वाचिंग। भारत माता की। म्यार पिथौरागढ़ में आईनाक सभी भाइयों बहनियों आमा बुबू बुजुर्ग नानतीनो सबने के मेरो नमस्कार। और पहलाग माँ पूर्णागिरी गोलजू हाट कालिका बागनाथ माँ कोटगाड़ी की पावन धरती में आपको प्रणाम कर रहा हूं। ये उत्तराखंड का कश्मीर मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी और आप ही के प्रतिनिधि श्रीमान अजय टमटा जी पिथौरागढ़ जिला के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र बल्दिया जी संसद में मेरे साथी यहां के पूर्व मुख्यमंत्री सेवा भाव यही उनका जीवन है ऐसे श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी श्री केदार जोशी जी श्री राजेंद्र भंडारी जी श्री धन सिंह धामी जी पिथौरागढ़ से भाजपा के उम्मीदवार श्री प्रकाश पंत जी प्रकाश इधर आइए डीडीआर से भाजपा उम्मीदवार श्री बिशन सिंह जी चुफाल जी गंगोली हाट से भाजपा उम्मीदवार बहन मीना गंगोला जी धारचूला से उम्मीदवार श्री वीरेंद्र सिंह पाल जी मेरे साथ बोलिए भारत माता की। भारत माता की। पिथौरागढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों अब दिखाई दे रहा है मैंने पर्दा हटा दिया। भाइयों बहनों सभाएं तो मैंने बहुत देखी है कई सभाओं में संबोधन करने का सौभाग्य भी मिला है लेकिन ये 6 मंजिला सभा मैं पहली बार देख रहा हूं। शायद ये मीडिया वाले भी देखेंगे 6 मंजिला लोग खड़े हैं भाई ये आप इतना दूर दूर खड़े हैं ये देख तो पाते होंगे लेकिन सुनाई भी देता है क्या
आज पिथौरागढ़ ने कमाल कर दिया जी। और मैं हेलीपैड से यहां तक आ रहा था, पूरा रास्ता भी खींचो खींच लोगों का भरा हुआ जी। इतनी बड़ी तादाद में आप मुझे आशीर्वाद देने आए, हमारे उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने आए, हमारी पार्टी को आशीर्वाद देने आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के चुनाव प्रचार की ये मेरी आखिरी सभा है। आज 12 फरवरी है, आज 12 फरवरी को पिथौरागढ़ की इस मैदान से आप सब संकल्प कर रहे हैं ये दागी सरकार को उखाड़ फेंकने का। आज 12 फरवरी को पूरा उत्तराखंड संकल्प कर रहा है देवभूमि को दाग लगाने वालों को उखाड़ फेंकने का संकल्प कर रहा है। और 12 मार्च को एक महीने के बाद ये सरकार भूतपूर्व बन जाएगी, भूतपूर्व। और 11 मार्च को दोपहर 2:30-3 बजे तक अभूतपूर्व नतीजे भी आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बन जाएगी। भाइयों बहनों, ये उत्तराखंड की धरती वीरों की धरती है, वीर माताओं की धरती है, त्याग और बलिदान की भूमि है। ये पिथौरागढ़ शायद यहां कोई घर ऐसा होगा जहां का बेटा मां भारती की रक्षा के लिए फौज में जाकर के सीमा पर तैनात न हुआ हो, ऐसा शायद कोई परिवार। नमस्ते, ये वीरों की भूमि है। मोदी जी का वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। क्या कारण है? प्लीज सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड का विकास नहीं हुआ। धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 राज्य बनाए, मध्य प्रदेश से निकला हुआ छत्तीसगढ़, बिहार से निकला हुआ झारखंड और उत्तर प्रदेश से निकला हुआ उत्तराखंड। लेकिन भाइयों बहनों, क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ आज प्रगति की ऊंचाइयों पर पहुंच गया, आज झारखंड विकास की ऊंचाइयों पर पहुंच गया, लेकिन मेरा उत्तराखंड? हेलो फ्रेंड्स, I request you, please subscribe our channel for more videos and latest updates and speeches of our respected Prime Minister Narendra Modi. Please subscribe. आप सब मुझे जवाब दीजिए, ये उत्तराखंड का बेहाल किसने किया? मोदी जी का वीडियो देख के उत्तराखंड को बेहाल किसने किया? उत्तराखंड को बर्बाद किसने किया? चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए, उत्तराखंड को बर्बाद किसने किया?
उत्तराखंड को बेहाल किसने किया, उत्तराखंड को तबाह किसने किया, देवभूमि को लूटा किसने, देवभूमि को लूटा किसने। भाइयों बहनों, 15 तारीख को मौका आपके पास है, आपकी उंगली में वो ताकत है कि आप उत्तराखंड के लूटने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। निशान पर बटन दबा करके उत्तराखंड को तबाह करने वालों को ऐसी सजा दो ताकि उत्तराखंड में भविष्य में भी कोई सरकार उत्तराखंड को बर्बाद करने का गलती से भी पाप न करे, ऐसी सजा दो। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में से पलायन बहुत होता है, नौजवान चला जाता है, उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड के काम नहीं आ रहा है। यहां की जवानी, यहां का पानी उत्तराखंड के काम आए, ये सपना लेकर के हम काम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पिथौरागढ़ के लोगों की ऐसी कैसी नाराजगी है, ऐसा कैसा गुस्सा है कि मुख्यमंत्री यहां से पलायन कर गए। यहाँ के नौजवान तो रोजी रोटी के लिए पलायन करते देखे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को पलायन करना पड़ा, क्या कारण है? आप उनको जरा भर पहचान गए हो ना? आपके मुख्यमंत्री को भली भांति पहचान गए हो ना? और वो भी आपका गुना गुस्सा पहचान गए हैं, इसलिए यहां से 9-2-11 कर गए। भाइयों बहनों, आप ही के लोगों के आशीर्वाद से वे मुख्यमंत्री बन पाए थे, लेकिन इतने कम समय में आपके साथ ऐसा धोखा किया कि आपके पास दोबारा आने की हिम्मत नहीं है, पलायन कर गए। भाइयों बहनों, हमारा देश का दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनेता देश के लिए बलिदान करने वाले हमारी फौज पर भी शक करते हैं, सवाल या निशान उठाते हैं। आजादी के 70 साल, अनेक बार हमारे सेना के जवानों ने जान की बाजी लगा दी, शहादत मोल ली, लेकिन इस देश के किसी नागरिक ने फौज पर सवाल या निशान कभी खड़ा नहीं किया। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी, जब मेरे देश की फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा पार जाकर के दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, उनके सारे इरादे चकनाचूर कर दिए, और मेरे फौज के सारे बहादुर पराक्रमी जवान एक भी का नुकसान हुए बिना जिंदा लौट आए। मिलिट्री के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, दुनिया की सुरक्षा एजेंसियां इसका अध्ययन कर रही है,
कि भारत की पराक्रमी सेना ने सीमा पार जाकर के अद्भुत काम कैसे किया। लेकिन मेरे देश में सवाल कर रहे हैं, मोदी जी बताओ, मोदी जी बताओ, ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था कि नहीं हुआ था, किस इलाके में गए थे, कितने लोग गए थे, कितने दूर गए थे, कितनी गोलियां लेकर के गए थे, कितने लोगों को मार के आए थे, वहां तक गए थे तो हमारा एक भी मरा क्यों नहीं। ये कांग्रेस के लोगों को शोभा देता है क्या भाइयों? आप मुझे बताइए, शोभा देता है क्या? देश की फौजी का अपमान है कि नहीं है? देश के वीरों के पराक्रम का अपमान है कि नहीं है? देश की सेना का अपमान है कि नहीं है? अरे 125 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति का अपमान है कि नहीं है? अरे राजनीति अपनी जगह पर होती है, करो राजनीति, मोदी पर जितने जितने वार करने हैं करो, अरे जितना दम हो इतना निकाल दो, लेकिन मेरी फौज पर कभी शक मत करो। उनके पराक्रम पर शक मत करो। भाइयों बहनों, जब मैंने 2014 के लोकसभा के चुनाव में उत्तराखंड के भ्रमण पर आया था, उस समय तो मुझे पिथौरागढ़ आने का मौका नहीं मिला, दूसरे स्थान पर गया था। उस जनसभा में मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी, हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। भाइयों बहनों, 40 साल से लटका हुआ सवाल, 40 साल और दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार वो सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक का ही मजाक उड़ाती है, ऐसा नहीं, उन्होंने मेरे फौजियों की जिंदगी का भी मजाक उड़ाया था। कोई काम हो ना हो वो तो बात का विषय है, लेकिन जब कोई मांग कर रहा है तो सरकार ने कब से कब उसका अध्ययन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों जरा मुझे बताइए, अध्ययन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बारीकी से जांच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जवान क्या मुद्दा उठा रहे हैं उसको समझने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर ये समस्या है तो समस्या का मूल ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए? और समस्या का समाधान करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? आपको जानकर के हैरानी होगी, और यहां बहुत सारे फौजी परिवार बैठे हैं, आपको जानकर के हैरानी होगी, जब आकर के मैंने जांच की, 40 साल हो गए, एक भी कांग्रेस की सरकार ने वन रैंक वन पेंशन है क्या, इसके लाभार्थी कौन है, उनकी संख्या कितनी है, आर्थिक खर्च कितना बढ़ेगा, एक भी विषय की जांच नहीं की थी, फाइल में कोई चीज उपलब्ध नहीं है। 40 साल तक जो लोग फौजियों की समस्या को समझने के लिए तैयार नहीं, कागज पर जांच करने के लिए तैयार नहीं, इससे बड़ा मेरे फौज के लोगों का अपमान क्या हो सकता है? भाई हम आए, कांग्रेस पार्टी ने फौजियों को वन रैंक वन पेंशन के लिए, जब मैंने सितंबर 2000 था उसमें मैंने घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे।
जैसे ही मैंने घोषणा की, कांग्रेस को पसीना आ गया। उनको लगा मर गए, ये मोदी आया है। मैं जब बजट आया तो बजट में 500 करोड़ रुपया डाल दिया, वन रैंक वन पेंशन के लिए 500 करोड़। और उनके नेता जगह जगह पर जाकर के फौजियों के सम्मेलन करने लगे, देखो कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया, वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया। मैं आया, सरकार में बैठा। ओ फ्रेंड्स, यू लाइक द वीडियो, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं मेरे किया फौज के परिवारों, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, प्लीज क्लिक करें और बेल को भी क्लिक करें। ये ऐसा मजाक इन्होंने उड़ाया था, लेटेस्ट अपडेट्स मोदी जी के स्पीचेस की पा सकते हैं। मेरे निवृत्त सैनिकों का प्लीज सब्सक्राइब, ऐसा मजाक उड़ाया था 500 करोड़। जब मैंने देखा तो कितना खर्च होगा, तब वन रैंक वन पेंशन लागू पड़ेगा। ओआरओपी लागू करना है तो 500 करोड़ से कुछ नहीं होना था। जब हिसाब निकाला तो करीब करीब 12,500 करोड़ रुपया। कितना? 12,500 करोड़। कितना कितना जरा जोर से बोलिए, 12,500 करोड़ रुपया जब खर्च करेंगे तब ओआरओपी लागू हो। आप मुझे बताइए, 500 करोड़ लिख करके ये फौज की मजाक उड़ाई थी कि नहीं उड़ाई थी? फौज को अपमानित किया था कि नहीं किया था? हमने तय किया हम लागू करेंगे, लेकिन सरकार के खजाने में इतनी बड़ी रकम एक मुश्त देना मुश्किल होता है। तो मैंने फौज के लोगों को बुलाया, निवृत्त सैनिकों को बुलाया, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा भाई मुझे ओआरओपी देना है, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। एक मिनट नहीं लगाया मेरे फौजियों ने, एक मिनट नहीं लगाया। उन्होंने कहा साहब हम तो जिंदगी से खेलने वाले लोग हैं, और भारत का प्रधानमंत्री हमसे मदद मांगे और हम इंतजार करें, बोले आप जो कहें वो मदद करने के लिए तैयार है। मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, एक साथ इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाऊंगा, मुझे देना है लेकिन 3 या 4 किस्त में देना चाहूंगा, आपकी मुझे सहमति चाहिए। भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कहता हूं, 40 साल से सवाल लटका था, लेकिन मेरे फौजियों को जब मैंने कहा एक मिनट लगा, एक मिनट में उन्होंने कह दिया साहब आपने एक बार कह दिया, हमारा आप पर भरोसा है, आप आगे बढ़ो। देखिए ये मेरे फौज के लोगों का मिजाज देखिए, और हमने लागू किया अब तक करीब करीब 6,500 करोड़ रुपया हमने दे दिया, और बाकी जो है वो भी आने वाले इस बजट के दरमियान आपको मिल जाएगा। ये काम ऐसे होता है भाई। इतना ही नहीं, जब 7वां पे कमीशन का रिपोर्ट आया, friends, I hope you have liked the video. I request you please like, share and please subscribe our channel for more videos of Prime Minister Narendra Modi. Please subscribe. Thank you. हमारे फौजियों को पुराने नियमों से लागू नहीं करेंगे। वन रैंक वन पेंशन के बाद उसका जो तनखा है उसके हिसाब से उनका 7वां पे कमीशन भी लागू करेंगे। मेरे निवृत्त फौजियों को डबल फायदा हो गया, एक ओआरओपी का प्लीज सब्सक्राइब और दूसरा 7वें पे कमीशन का अधिक बढ़ोतरी का फायदा। भाइयों बहनों, जब सेना के प्रति प्यार हो, देश के लिए मरने वालों के प्रति सम्मान का भाव हो, तब
तब सरकार ऐसे फैसले करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।